हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा का हल्ला बोल, राज्य सरकार पर जमकर बरसे देवल। सरकार पर लगाया किसान, गरीब, दलित, महिला, संविदा कर्मी एवं युवाओं से वादा खिलाफी करने का आरोप। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से राज्य सरकार के विरुद्ध हर जिले में उपखंड स्तर पर प्रदेश व्यापी हल्ला बोल किया जा रहा है। कस्बे के सुंदा माता तिरोह पर स्थित चौधरी धर्मशाला में उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं आम जन को संबोधित करते हुए रानीवाड़ा विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने राज्य सरकार पर जमकर हल्ला बोला। देवल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी कर देंगे। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जालौर की सभा में मंच से 1, 2, 3, 10 तक गिनकर कहा था कि यदि राजस्थान में हमारी सरकार बनी तो प्रदेश के सभी किसानों का 10 दिन में पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। इन्होंने वादा किया था कि MSP पर बाजरे की खरीद करेंगे, पूरे 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन की लंबित पत्रकारों का निपटारा कर उनको कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करेंगे, घरेलू विद्युत आपूर्ति 24 घंटे की जाएगी, किसानों को कम से कम 8 घंटे बिजली दी जाएगी, प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नई सरकारी नौकरियां देंगे, युवाओं को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दलितों व महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, प्रत्येक गांव में विकास पद बनाएंगे, नई सड़कें व पुरानी सड़कों की मरम्मत करेंगे, जैसे अनेकों वादे किए थे। प्रदेश की जनता ने इनके झूठे वादों में आकर इनकी सरकार बना दी, लेकिन ये झूठे वादों की सरकार 3 साल बीतने के बावजूद एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। ना तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हुआ है, ना ही दिसंबर 2012 तक के लंबित कृषि कनेक्शन दिए गए हैं, ना ही MSP पर बाजरे की खरीद हो रही है, ना ही बिजली की दरें बढ़ने से रोकी गई हैं, ना ही किसानों को 8 घंटे और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जा रही है, ना ही प्रदेश के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, ना ही बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ना ही 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है, और ना ही प्रदेश में दलितों व महिलाओं पर अत्याचार व अपराध रुके हैं, ना ही प्रत्येक गांव में विकास पद बने हैं, ना ही कहीं पर कोई एक भी नई सड़क बनी है। नई सड़क बनाना तो दूर, अभी तक 3 साल से पहले ही बनी हुई सड़कों की मरम्मत और पेच वर्क का काम भी नहीं हुआ है। प्रदेश की भोली भाली जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार के मुखिया केवल अपनी कुर्सी बचाने में मशगूल है। 13 महीने से मुख्यमंत्री घर में बैठे हैं। जनता की सूद कौन लेगा? सरकार 5 सितारा होटलों में ऐशो आराम कर रही है और प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। पानी की मांग कर रहे पश्चिमी राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ व गंगानगर के किसानों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज करवाना इसकी सरकार की अकमरणता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। ऐसी निकम्मी और नाकारा सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ये सरकार अपना नैतिक आधार खो चुकी है। प्रदेश की जनता अपने वोट की चोट से इनको करारा जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाता रहेगा। भाजपा का कार्यकर्ता सड़क से लेकर विधानसभा तक सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार की जन विरोधी नीतियों और नियमों को जनता के बीच लेकर जाएगा। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने जुलूस के रूप में पैदल मार्च करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हल्ला बोल कार्यक्रम के मंडल के प्रभारी OBC मोर्चा जिला अध्यक्ष ओबाराम देवासी, सह प्रभारी प्रधान विमला चौहान, संयोजक जिला उपाध्यक्ष भैरुदान चार, सह संयोजक मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह कलापुरा, वजाराम माली, ऊना राम माली, कपूरा राम प्रजापत, महामंडल महामंत्री भगवान सिंह चेकला, जसवंत भाई प्रजापत, विक्रम सिंह उच्चतम, फूलचंद खंडेलवाल, देवाराम प्रजापत, मानाराम चौधरी, राम सिंह धरुपड़ा, रमेश रावल, रामसीन, जिला मंत्री हस्तु जी नगर सहित बड़ी संख्या में जिला व मंडल कार्यकारिणी के पदाधिकारी, मंडल के मोर्चा व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व संयोजक एवं पदाधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे।
जागरूक टीवी की जैसनपुरा से खास रिपोर्ट।